मैं माननीय राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर उन्हें धन्यवाद देने के लिए उपस्थित हुआ हूं। इस बार के संबोधन में राष्ट्रपति जी ने जिस प्रकार से देश को दिशा दी थी, सरकार के विजन की व्याख्या की है, सरकार के मुखिया के नाते मैं उनका हृदय से आभारी हूं। इस सरकार की पहचान ईमानदारी के लिए है, इस सरकार की पहचान पारदर्शिता के लिए है, गरीबों के लिए संवेदना के लिए है, राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखने के लिए है, भ्रष्टाचार पर कार्रवाई करने के लिए है। और तेज गति से काम करने के लिए वो टीवी का दृश्य अभी भी याद है जब नोटें ऐसे ऐसे जेब में रखी जाती थी। आज इस चर्चा में आदरणीय श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी, श्रीमान भरतवरी जी, श्री वेणुगोपाल जी, हरसिमरत जी कौर बादल, श्रीमान दिनेश त्रिवेदी जी, श्री मोहम्मद सलीम जी, श्रीमान सौमित्र खान जी, ऐसे अनेक सभी आदरणीय सदस्यों ने अपने विचार रखे हैं, अपनी राय रखी है। एक सार्थक चर्चा का प्रयास हुआ है और सदन ने इन सबको जिस प्रकार से सुना, उनकी बातों को प्रोत्साहित किया, इसलिए विचारों की अभिव्यक्ति वाले भी और विचारों को प्रोत्साहन देने वाले इस पूरे सदन का मैं धन्यवाद करता हूं। कुछ आलोचनाएं भी हुई, कुछ सिर पैर के बिना की बातें हुई, कुछ अपने मन को जो अच्छा लगता है वो भी यहां बार बार बोलने की आदत वालों ने बोल भी लिया। लेकिन मैं मानता हूं कि ये चुनाव का वर्ष है तो स्वाभाविक है, हर किसी की कुछ न कुछ मजबूरी है, कुछ तो बोलना ही पड़ता है। और इसलिए वो प्रभाव रहना बड़ा स्वाभाविक था। लेकिन ये भी सही है कि हम लोग यहां से जाने के बाद जनता जनार्दन को अपना कामकाज का लेखा जोखा देने वाले हैं, क्योंकि चुनाव का वर्ष है तो हमको जनता को जाकर के अपना हिसाब देना है। और मैं आप सभी को आगामी चुनाव में हेल्दी कंपटीशन के लिए अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। करोड़ों युवाओं का भी मैं अभिनंदन करना चाहता हूं जो इस शताब्दी में पहली बार इस चुनाव में पार्लियामेंट के लिए वोट देने वाले हैं। वे सभी अभिनंदन के अधिकारी हैं, क्योंकि वोट डालना या मताधिकार प्राप्त करना एक छोटी घटना नहीं है। और हमें भी हमारी इस नई पीढ़ी को जो पहली बार 21वीं शताब्दी के पार्लियामेंट के चुनाव के वोटर बनने वाले हैं उनका स्वागत भी करना चाहिए, क्योंकि वे एक प्रकार से देश की नीति निर्धारक उस प्रक्रिया के वो हिस्सेदार बनने जा रहे हैं। और इसलिए मैं उन नए मतदाताओं को, युवाओं को अनेक अनेक बधाइयां देता हूं। और मुझे विश्वास है कि नई पीढ़ी राष्ट्र को दिशा देने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगी। आदरणीय अध्यक्ष महोदया,
जब हम न्यू इंडिया की बात करते हैं, एक आशा और विश्वास की बात करते हैं, और ये भी सही है कि निराशा की गर्त में डूबा हुआ व्यक्ति या समाज न खुद के लिए कुछ करता है न उस पीढ़ी के लिए कुछ कर पाता है। कर वो ही सकते हैं जो आशा और विश्वास से भरे हुए होते हैं। रोना रोते वालों को 5-10 लोग अगल बगल के आश्वासन देने के लिए मिल जाएंगे, लेकिन परिवर्तन का संकल्प करने वाले लोग उनके पास फटकते नहीं है कभी। और जब मैं न्यू इंडिया की बात करता हूं तो मैं स्वामी विवेकानंद जी की बात को उद्घोष करना चाहूंगा। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा हो गया अतीत में जिस दौर से हमें गुजरना पड़ा वो सभी आवश्यक थे, क्योंकि विनाश का जो काल बीच बीच में आया उसे निकलकर ही भविष्य का भारत आ रहा है। वह अंकुरित हो चुका है, उसके नए पल्लव निकल चुके हैं और उस शक्तिशाली वृक्ष विशालकाय वृक्ष का उगना शुरू हो चुका है। विपरीत परिस्थितियों में विकास की आस विश्वास यही देश को आगे ले जाता है। चुनौतियों को चुनौती देना ये देश का स्वभाव होता है, वही देश चुनौतियों को परास्त करता है। जो चुनौतियों से डर के भागते हैं वो नई नई चुनौतियों को मोल लेते हैं, और इसलिए चुनौतियों को ही चुनौती देना सामान्य मानवीय की देश की आशा अपेक्षाओं को पूर्ण करने में हम पूरी ताकत से जुटे हुए हैं। आज यहां 1947 से कुछ बातें बताई गई, अच्छी बात है, लेकिन कभी लगता है कि हम जब इतिहास की बात करते हैं तो 2 पीरियड की चर्चा करते हैं, बीसी एंड एडी। आज जो मैंने भाषण सुना कि 47 से 14 तक, तो मुझे लगता है कि शायद बीसी और एडी की उनकी अपनी व्याख्या है। मतलब कि कांग्रेस के पहले कुछ नहीं था इस देश में, था तबाह था, गर्त में था, और एडी का मतलब है आफ्टर डायनेस्टी। यानी जो कुछ भी हुआ वो उन्हीं के बाद हुआ, लेकिन आखिर के किसी काम को कंपैरेटिव देखना ही पड़ता है, और वो बुरा है ऐसा मानने का कोई कारण नहीं। हमने इतना विचलित क्यों होना चाहिए? 4.5 साल पहले क्या होता था और आज क्या है, 4.5 साल में किस प्रकार से हम आगे बढ़े हैं। भारत 4.5 साल में 10वें 11 नंबर की अर्थव्यवस्था से आज 6 नंबर पर पहुंच गया, और ये भूलिए मत कि जब 11 नंबर पर पहुंचे थे तब इसी सदन में यहां पर बैठे हुए लोगों ने, जो कि आज वहां भी नहीं दिखते हैं, उन्होंने 11 पर पहुंचने का बड़ा गौरवगान किया था। मैं समझ नहीं पाता हूं जिनको 11 पर पहुंचने में गौरव दिखता था उनको 6 पर पहुंचने में पीड़ा क्यों, दर्द क्यों? पहले की तुलना में
सबसे ज्यादा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आज भारत में आ रहा है। मेक इन इंडिया की ताकत मैन्युफैक्चरिंग के नए प्रतिमान प्रस्थापित कर रही है। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्टील प्रोड्यूसर आज भारत है। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन बनाने वाला भारत है। दुनिया का सबसे चौथा ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर आज हिंदुस्तान है। फसलों और दूध का रिकॉर्ड उत्पादन आज भारत कर रहा है। इंटरनेट डेटा सबसे सस्ता और इंटरनेट डेटा सबसे ज्यादा कंजम्पशन अगर दुनिया में कहीं है तो हिंदुस्तान। स्टार्टअप इकोसिस्टम ने जिस प्रकार से अपनी जगह बनाई, अपनी जड़ें जमाई हैं, आज बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल को भी वो चुनौती दे रही है। एविएशन सेक्टर सबसे तेज गति से आगे बढ़ रहा है, लेकिन विपक्ष में है, विरोध करना जरूरी है, विरोध करना चाहिए, मोदी की आलोचना करनी चाहिए, हमारी नीतियों की आलोचना करनी चाहिए। अच्छी बात है, लोकतंत्र में बहुत जरूरी भी है, लेकिन मैं देख रहा हूं कि हम मोदी की आलोचना करते करते, बीजेपी की आलोचना करते करते देश की बुराई करने में लग जाते हैं। इससे हम में से किसी को भी गलती से भी देश की बुराई हो ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। बहुत सी बातें हैं। लंदन में जाकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके देश की क्या इज्जत बना रहे हो, झूठी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। और आप मुझे पूछ रहे हो, यानी आज मुझे पूछ रहे हो कि क्या कौन कुछ नहीं कहा। अच्छा है, मैं अपनी मर्यादा में रहूं, वही ज्यादा अच्छा है। लेकिन हमने जो सवाल उठाया, जवाब मिलेगा। आज हमारे खड़गे जी बता रहे थे कि मोदी जी जो बाहर पब्लिक में बोलते हैं, राष्ट्रपति जी ने वही बात सदन में भी कही। मतलब ये सिद्ध हो गया कि सच बोलने वालों को बाहर दूसरा बोलना, अंदर अलग बोलना था नहीं। जो सच बोलता है वो बाहर भी वही बोलता है, अंदर भी वही बोलता है। तो मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने इस बात को रजिस्टर किया कि हम सच बोलते हैं, पब्लिक मीटिंग में भी सच बोलते हैं, जनसभा में भी सच बोलते हैं, लोकसभा में भी सच बोलते हैं। और प्रधानमंत्री भी सच बोलता है, राष्ट्रपति जी भी सच बोलते हैं। अब आपकी मुसीबत है कि सच सुनने की आदत भी चली गई है। आप इतना झूठ झूठ सुन चुके हो कि आपकी सच सुनने की आदत ही चली गई है। आपने कहा मोदी संस्थाओं को खत्म कर रहा है, बर्बाद कर रहा है। हमारे यहां एक कहावत है, उल्टा चोर चौकीदार को डांटे। आप जरा बताइए, मुझे लगता है विचार करने की आवश्यकता है। देश में आपातकाल थोपा कांग्रेस ने, लेकिन कहते हैं इंस्टीट्यूशन मोदी बर्बाद कर रहा है। सेना को अपमानित किया कांग्रेस ने, कहते हैं मोदी बर्बाद कर रहा है। देश के सेना अध्यक्ष को गुंडा कहा, कहते हैं कि करने वाले कांग्रेस, कहते हैं मोदी इंस्टीट्यूट बर्बाद कर रहा है। कहानियां घड़ी जाती है तख्ता पलट करने की। और कितना बड़ा हिंदुस्तान की सेना की इज्जत को, कितना बड़ा
अपना चेहरा घाव दिखाया। आपको मालूम नहीं है, आपने हफ्ते दो हफ्ते शायद अपनी राजनीति कर ली होगी, लेकिन ये जो आपने पाप किया है, मैं समझता हूं हमारी सेना के दिलों पर जो घाव लगा है, भारत की सेना तख्ता पलट करने का काम करे, ये आजादी के इतने सालों में अच्छे दिन आए हो, बुरे दिन आए हो, वीक प्रधानमंत्री रहे हो, वीक गवर्नमेंट रही हो, एक सरकार रही हो, मिलीजुली सरकार, कभी देश की सेना ने ऐसा पाप नहीं किया है। हम ये बातें कहते हैं जस्ट अपनी राजनीति के लिए, और इसलिए और मैं मानता हूं कि बहुत बुरा किया है हम लोगों ने, हम एक जिम्मेवारी लोग हैं और शासन में बैठे लोगों के द्वारा इस प्रकार की बातें हो, और आप कहें कि हम संस्थाओं को बर्बाद करने में लगे हुए हैं। चुनाव आयोग, इस देश का चुनाव आयोग विश्व के लिए गौरव का केंद्र बन सकता है। छोटी मोटी शिकायतें रहने के बाद भी सभी राजनीतिक दल चुनाव आयोग की निर्णयों को मान करके चल रहे हैं, क्या हम उसको भी बर्बाद करके रहेंगे? हम आज उस पर बर्बाद करने में लगे हुए हैं, क्या हम उसकी दिशा में भी कुछ सोच सकते हैं क्या? उसी प्रकार से अपनी विफलता ईवीएम पर, अपनी विफलता, मैं तो हैरान हूं, देश बजट की चर्चा करता है और ये ईवीएम का रोना रो रहे थे। ये कितनी, अरे आप इतने डरे हुए, क्या हो क्या गया है आप लोगों को? न्यायपालिका को कांग्रेस धमकाती है, मैं जिस प्रकार से न्यायपालिका के निर्णयों को कांग्रेस से जुड़े हुए लोग जिस प्रकार से बयानबाजी कर रहे हैं, पहले निर्णय अच्छा हो बुरा हो, लेकिन उसका सम्मान इसलिए किया जा रहा है क्योंकि इंस्टीट्यूशन आखिर बचानी पड़ेगी, लेकिन हमें पसंद ना हो तो कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी बुलवा लें, कुछ भी लिखवा दें। आप पूरी जुडिशरी को डराने के लिए, महाभियोग के नाम से पूरी व्यवस्थाओं को हिलाने के लिए कोशिश की, और आप हमें कह रहे हो ये कांग्रेस पार्टी जिसने योजना आयोग को, प्लानिंग कमीशन को जोकरों का समूह कहा था, मालूम है ना किसने कहा था? आज आप प्लानिंग कमीशन के इतने गीत गा रहे थे, उसी प्लानिंग कमीशन को आपके एक भूतपूर्व प्रधानमंत्री ने जोकरों का समूह कहा था। इंस्टीट्यूशन का सम्मान, एक शब्द पकड़ लिया क्योंकि बाकी कुछ अपना तो कारोबार देखो जरा। तीन सौ छप्पन का दुरुपयोग, करीब सौ बार आपने किया, चुनी हुई सरकारों को आपने बर्खास्त कर दिया, और श्रीमती इंदिरा गांधी ने अकेली ने 50 बार किया उसका उपयोग, 50 बार सरकारों को गिराया, और ये 2019 किस चीज की एनिवर्सरी है आज करें जरा, मैं केरल के मित्रों को कहना चाहता हूं, केरल को 59 में जब नेहरू जी प्रधानमंत्री थे और इंदिरा जी कांग्रेस की अध्यक्षा थी, वो केरल गई थी, पता नहीं क्या देखा, क्या कहा, पाया, क्या सुना, आते ही केरल की कम्युनिस्टों की चुनी हुई सरकार को बर्खास्त कर दिया। ये 2019 एनिवर्सरी है। आप संस्थाओं का मान सम्मान की बातें करते हो, किस प्रकार से आपने देश के साथ, आपने एनटीआर के साथ क्या किया, आपने एमजीआर के साथ क्या किया, इतना ही नहीं आपने मंत्रिमंडल के निर्णय, कैबिनेट का डिसीजन प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाकर कैसे फाड़ रहे हो? कौन सी सेंसिटिविटी, कौन सी संस्थाओं का सम्मान? और इसलिए कृपा करके मोदी पर उंगली उठाने से पहले ये आपको पता होना चाहिए कि आपकी चार उंगली आपके तरफ होती है, और इसलिए आमतौर पर मेरी खरगे जी एक डिसेंट व्यक्ति है, लेकिन पता नहीं क्या मजबूरी है,
इस मुसीबत में फंसे हैं कि एक डिसेंट व्यक्ति हर बार डिसेंट लेकिन मैं आप डिसेंट है इस बात को तो मैं सदन के सामने कहूंगा, जरूर कहूंगा। और ये बात सही है कि आज उन्होंने कहा कि मैं जरा फर्स्ट एड, लेकिन करीब 36 घंटे के बाद वो पूछ रहे थे फर्स्ट एड की जरूरत है क्या। तो आप एक सीनियर व्यक्ति के नाते हम जैसे लोगों की चिंता कर रहे हैं, इसलिए मैं आपका आभारी हूं। अध्यक्ष महोदय जी, इन सारी मुसीबत के मूल में एक सबसे बड़ा कारण यह है, एक गरीबी से उठा हुआ इंसान जिसने कभी दिल्ली के गलियारे देखे नहीं, उसने इतनी बड़ी सल्तनत को चुनौती दे दी, वो पचा नहीं पा रहे। तो ये मान के चलते हैं कि हम तो ये बस देश पर गद्दी हमारे मालिकी की है, वो ऐसा एक कोने में पड़ा हुआ इंसान आके यहां, ये बात इनके दिमाग से जाती नहीं है। वो जो नशा है वो नशा परेशानी करता है। आप अधिकार के नशे में सभी को एक्सलेंसी, आदरणीय अध्यक्ष महोदय, अब जरा हिसाब की बातें चल रही थी, हमारी सरकार तो मैं भी बता दूं, 55 साल मेरे 55 महीने, 55 साल मेरे 55 महीने। देखिए स्वच्छता का दायरा 55 साल में 2014 तक 40% था, आज 4.5 साल के 55 साल के महीने के अंदर 98% क्रॉस कर। साढ़े चार साल में 10 करोड़ से ज्यादा शौचालय बने हैं। और जो लोग कहते हैं कि ये सरकार अमीरों के लिए है, मुझे खुशी है कि मेरे देश के 10 करोड़ अमीरों के लिए मैंने शौचालय बनाए। वही मेरे अमीर है, वही मेरा ईमान है, वही मेरी जिंदगी है, उन्हीं के लिए जीता हूं, उन्हीं के लिए हार। गैस कनेक्शन 55 साल में 12 करोड़ गैस कनेक्शन, और 55 महीने में 13 करोड़ गैस कनेक्शन, और उसमें 6 करोड़ उज्ज्वला। काम किस गति से होता है और किसके लिए होता है इसका आप अंदाज लगा सकते हैं। बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, गरीबों के नाम की बातें की, राजनीति की, चुनाव जीतते गए, वोट बटोरते गए, लेकिन हमारे देश में 55 साल में 50% लोगों के बैंक के खाते थे, 55 महीने में अब वो 100% करने में हम यशस्वी हुए हैं। आपको तकलीफ होती है 18,000 गांवों में बिजली पहुंचाई, और आप आंकड़ा देते हैं, यानी 1947 के पहले इस देश के किसी गांव में बिजली नहीं थी, 1947 के पहले इस देश के किसी गांव में बिजली नहीं थे, वहीं शुरू कर रहे हैं आप, वो बीसी और एडी वाली बात है। लेकिन अगर सचमुच में जिस गति से पिछले 55 महीने में सरकार चली है, आजादी के बाद इतनी रुकावटें नहीं थे, इतना विरोध नहीं था, इतने कानूनों की परेशानी नहीं थी, इतना मीडिया भी नहीं था, अगर उस समय आप चाहते काम करना तो पहले 2 दशक में हिंदुस्तान के हर गांव में बिजली पहुंच जाती। ये काम जो 20 साल में होना चाहिए था वो मुझे आकर के पूरा करना पड़ा है। और इसलिए इतना ही नहीं
आपका 2004 का मैनिफेस्टो देख लीजिए, आपका 2009 का मैनिफेस्टो देख लीजिए, आपका 2014 का मैनिफेस्टो देख लीजिए। आपने तीनों मैनिफेस्टो में ये कहा है कि हम तीन साल के भीतर, चार में कहा तीन साल के भीतर, आपने नौ में कहा तीन साल के भीतर, चौदह में कहा तीन साल के भीतर हर घर में बिजली पहुंचाएंगे। आपके मैनिफेस्टो में है बिजली पहुंचाएंगे। मैं हैरान हूं, वो गरीबी हटाओ गरीबी हटाओ तो आप एक्शन करते गए हैं, लेकिन 2004 में भी तीन साल, 2009 में भी तीन साल, 14 में भी तीन साल, और आज घरों में बिजली पहुंचाने की मुझे रात दिन मेहनत करनी पड़ रही है। 2.5 करोड़ परिवारों में बिजली पहुंचाने का काम पूरा कर दिया, और आने वाले दिनों में 100% इलेक्ट्रिफिकेशन का काम करने का गर्व हम प्राप्त करेंगे, मैं आपको विश्वास दिला सकता हूं। कुछ लोग हैं जो भ्रमित करने का प्रयास करेंगे, लेकिन आंकड़े आंकड़े झुठला नहीं सकते हैं। दो हजार चौदह में 30 साल के बाद देश की जनता ने पूर्ण बहुमत वाली सरकार चुनी है, और देश अनुभव करता है जब मिलावटी सरकार होती है तब क्या हाल होता है, और अब तो महामिलावट आने वाला है। पूर्ण बहुमत वाली सरकार होती है तो कितने निर्णय कर सकती है, कितनी गति से आगे बढ़ सकती है, और निर्धारित महामिलावट, महामिलावट यहां पहुंचने वाले नहीं है। ये महामिलावट आप कलकत्ते में इकट्ठा करो, देख लो, ये महामिलावट का हाल देखो, केरल में मुंह नहीं देख पाएंगे एक दूसरे का। ये महामिलावट का नेतृत्व करने वालों को उत्तर प्रदेश ने बाहर कर दिया, ये महामिलावट देखने वालों को, और इसलिए ये महामिलावट का खेल अस्थिर सरकार, अकल्पनीय सरकार, इसके कारण ये महामिलावट हो गया ना। देश ने 30 साल ये स्थिति देखी है, देश कतई मां, अब तो जो हेल्थ कॉन्शियस सोसाइटी है वो भी मिलावट से दूर रहती है, हेल्दी डेमोक्रेसी वाले भी ये महामिलावट से दूर रहने वाले हैं। जब बहुमत वाली सरकार होती है, प्रजा देशवासियों के लिए समर्पित सरकार होती है, तो काम कैसे होता है। 2014 के पहले आपकी सरकार थी, गरीबों को घर मिलना चाहिए, यह 1947 से हर सरकार ने विचार किया है, लेकिन 2014 के पहले 5 साल आपकी सरकार ने 25 लाख घर बनाए, हमने 55 महीने के अंदर 1,30,00,000 घर बना करके चाबी दे दी, और घर भी जिसमें शौचालय है, जिसमें बिजली है, जिसमें गैस का कनेक्शन है, ऐसे चार दीवारियां बना करके काम पूरा नहीं कर रहे हैं। और आज वो बात आप जहां आपके लोग हैं वो भी आकर के कहते हैं कि मेरे इलाके में आवास अलॉटमेंट करवा दीजिए, और पैसे गरीब के खाते में सीधे जमा हो रहे हैं, बिचौलिए नहीं है। अब आपके घोषणा पत्र में 2004 में था, 2009 में था, और 2014 में भी था, और आपने कहा था कि वो भी आप ये 3 साल कहां से ले आए मुझे मालूम नहीं, आपका 3 साल का डेफिनेशन क्या है वो भी मालूम नहीं,
चार में भी कहा कि तीन साल में हर पंचायत को हम ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क से जोड़ेंगे, डिजिटल इंडिया की तरफ आगे बढ़ेंगे। चार में कहा था, वही बात नौ में कही, वही बात चौदह में कही। जब हम आए तब 59 विलेजेज में ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क पहुंचा था। यानी आइडिया नया। अब आप कहेंगे हमारी योजना, आपकी योजना मैनिफेस्टो में लिखा है, करेंगे, लिख दिया। 2004 से शुरू क्या काम आपने, 2014 में पहुंचते पहुंचते 59 विलेजेज में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी 55 महीने की हमारी सरकार में 1,16,000 गांवों में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी पहुंच गई। आप वादे करते रहे, आज हमारे खड़गे साहब ने शेर शायरी का मजाक था उनका, और हो सकता है कि कविता जो हुस्न से शुरू होती थी वो उनकी नजर गई। जो समझ नहीं आया कि उनको हुस्न वाली पंक्ति क्यों पसंद आई, लेकिन उसी कविता में अगर आपने जिस परिवेश से आप पैदा होकर के आए हैं, आपके परिवार ने जिस संघर्ष से आप निकला हुआ है, मैं जानता हूं और मैं गर्व करता हूं आपके परिवार के जीवन पर, अगर वो चीजें आपको याद रहती तो हुस्न वाली पंक्ति है तरफ नजर नहीं, अगर वो होता तो आपकी नजर जाती। और मुझे तो बहुत बराबर ये चीज दिन रात याद रहती है आप लोगों के कारण। उस कविता में लिखा है, जब कभी झूठ की बस्ती में सच को तड़पते देखा है, जब कभी झूठ की बस्ती में सच को तड़पते देखा है, तब मैंने अपने भीतर किसी बच्चे को सिसकते देखा। आपके झूठ के कारोबार से क्या होता है ये कविता में आपको दिखाई देना चाहिए, लेकिन वो नहीं। उसी कविता में आगे लिखा है, अगर संवेदना नाम की चीज बची होती, लेकिन सत्ता के गलियारों में रहने के कारण शायद वो छूट गया होगा। अगर वो बचा होता तो उसकी आगे की पंक्ति आपको जरूर दिल को छू जाती। आगे की पंक्ति है, अपने घर की चार दीवारी में अब लिहाफ में भी सिहरन होती है। अपने घर की चार दीवारों में अब लिहाफ में भी सिहरन होती है। जिस दिन से किसी को गुर्बत में सड़कों पर ठिठुरते देखा है, इसके लिए संवेदना होती है, दर्द होता है, तब जाकर के बात बनती है जी। कांग्रेस 55 साल, सत्ता भोग के 55 साल, हमारे 55 महीने सेवा भाव के 55 महीने। 55 साल का सत्ता भोग और 55 महीने का सेवा भाव, और जब नीति स्पष्ट हो, नियत साफ हो, इरादे नेक हो, निष्ठा अटल हो, तो हम 2400 घंटे गरीबों के लिए, देश के कल्याण के लिए, देश के विकास के लिए अपने आप को समर्पित करने के लिए एक नई ऊर्जा, नई प्रेरणा निरंतर पाते रहते हैं।